हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। टॉपिक चल रहा है इंटीग्रेशन का, क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स, और आज जो है समाकलन का ये लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज़ है, जिसमें आज की डेट में अपन कंप्लीट कर देंगे। आज हमने कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चंस ऐसे सिलेक्ट किए हैं जो टफेस्ट लेवल के पेपर में पूछे गए थे, तो उनका हम एक एक करके उनका पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन आपको देंगे, डिस्क्राइब करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे सॉल्व करना है, राइट। फिर उसके बाद में कल का जो डेट है, कल की डेट में आपको नेक्स्ट चैप्टर की थ्योरी दी जाएगी और वो थ्योरी हम कंप्लीट कर देंगे, हो सकता है कल ही कंप्लीट कर देंगे। फिर उसके बाद में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उसके करवाए जाएंगे। तो चलो, आज का जो सीरीज़ है उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं इंटीग्रेशन का, और ये लॉस्ट है, तो चलो इसको डिस्कस करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन, जिसको आपको समझाने का प्रयास करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आप समझेंगे, ये पहला क्वेश्चन है कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस महत्तम पूर्णांक फलन एक्स, मतलब बोले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी वैल्यू मैं आपको समझाऊँ क्या होता है। फॉर एवरी रियल नंबर एक्स वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज़ द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, और आपको क्या बताना है, इसमें आपको बताना है कि माइनस वन टू वन एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हम आपको इसका समझाने का प्रयास करते हैं, इसका क्या मतलब होता है महत्तम पूर्णांक फलन एक्स का। बहुत सारे बच्चों को मालूम भी होगा, इसका मीनिंग ये होता है कि यदि इस पर कोई भी पूर्णांक, कोई भी इंटीजर आप रखते हो, तो उसकी वैल्यू वही आती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू वही आती है, चाहे माइनस टू रखोगे तो माइनस आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें कोई रेशनल नंबर रखोगे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 2.1 आपने रख दिया, 2.1 की वैल्यू निकल के आएगी 2, और यहीं पर अगर आप माइनस 2.1 रखोगे, जैसे मतलब माइनस का केस में रखोगे, तो इससे कम निकलेगा, माइनस 2 माइनस 1 बोले तो माइनस 3 आएगा, ठीक है। ये तो है अपने पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी है, आप इसे ग्राफ को खींच कर चेक कर लेंगे। दूसरी बात जो हम लोग यहाँ सीखेंगे, दूसरी बात अपने आप को ये देखना है कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है। तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग बेटा बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, मतलब इसका जो छोटा, जीरो से बड़ा, एक से छोटा भाग होता है वो आता है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपने रख दिया x की वैल्यू, मान लो आपने ले लिया 2, तो 2 माइनस 2 तो ये तो हो गया 2 माइनस महत्तम पूर्णांक फलन वैल्यू 2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा 0। अब यहीं पर अगर अपन ले लेते, क्या ले लेते, 2.1 मान लो हमने ले लेते, क्या लेते 2.1 ले लेते, तो माइनस महत्तम पूर्णांक फलन 2.1 क्या हो जाता, 2.1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0.1, तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना आता 1। इसका मीनिंग ये हो गया कि फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू है 0 से लेकर के, मतलब यहाँ पर क्या होगी, एक से छोटी होगी, राइट। तो इस तरीके से अपने पास फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू आती है। अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट का एक ग्राफ खींचने का प्रयास करें, तो देखो हमने एक छोटा सा ग्राफ यहाँ पर बनाने का प्रयास किया है कि एक्स की वैल्यू अगर हमने 0 रख दी, इसमें रख दी, तो अपने पास में 0 आ जाएगा, 0.1 रख दोगे तो 0.1 आ जाएगा, 0.9 तक तो वही आ जाएगी वैल्यू, 0.9 तक तो वही वैल्यू आएगी, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर 1 रखेंगे वैल्यू ऑटोमेटिकली फिर 0 हो जाएगी। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि फ्रैक्शनल पार्ट का जो इंटरवल होता है वो ऑलवेज 1 होता है, जो अंतराल होता है वो हमेशा 1 होता है, 1 के बाद में फिर से अपना जो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ होता है वैसा ही व्यवहार करना शुरू करता है। जैसे मान लो अब माइनस 2 रखते तो माइनस 2 आता है, यहाँ पर देखो मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूँ, यहाँ देखो मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, माइनस 2 से लेकर माइनस 1 के बीच में ऐसे व्यवहार करेगा, माइनस 1 से 0 के बीच में ऐसे व्यवहार करेगा, माइनस 1 से 1 के बीच में ऐसे व्यवहार करेगा, है ना। पहले रखते जाओगे आपको ऑटोमेटिकली मालूम होता जाएगा ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। अब तो ये तो हमारे पास में ग्राफ है जो हमने आपको बना करके दिखाया हुआ है। अब देखो इसमें अपने आप को क्या कह रहा है, इसमें क्वेश्चन ए है माइनस 1 टू 1 माइनस 1 टू 1 माइनस 1 टू 1 क्या करना है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डी एक्स की वैल्यू ज्ञात करके बतानी है, यही आपको करना है, राइट, यही आपको करके बताना है। अब ये चीज़ देखो, ये चीज़ आप सॉल्व करोगे तो इसका मतलब ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, सॉरी
फ्रैक्शनल पार्ट है, तो ए फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, और ये कहाँ से कहाँ तक है, माइनस वन से वन तक। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कहाँ माइनस वन से ज़ीरो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का डी एक्स, और फिर क्या लिख सकते हैं, प्लस ज़ीरो से लेकर वन और फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का डी एक्स। इसका मतलब ये सब चीज़ें जो इंटीग्रेशन क्या है, ये जो है एक तरीके से एरिया को डिटरमिन करने का काम करता है। ए क्या है, ज़ीरो से एक के बीच की कवर्ड एरिया है फ्रैक्शनल पार्ट का, उसका डिटरमिन करने की कोशिश करता है। इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो पूरा अपने पास में वैल्यू इसकी निकल के आएगी। चलो हम देखते हैं कैसे करेंगे इस चीज़ को। देखो अब यहाँ पर अपने पास में क्या है कि माइनस वन से वन के बीच में जो कवर्ड एरिया है, देखो माइनस वन के बीच में ए वाला एरिया है, जिसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ए है तुम्हारा ऐसे है, ए है माइनस वन, ए है तुम्हारा ज़ीरो, ठीक है, इतना कवर्ड एरिया है। तो इसका इतनी दूर की जो दूरी है, ये जो दूरी है अपने आप को देखो ये कितनी है, ये ऑलवेज हमारे पास में वन है, ये कितनी है, वन है। तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा, कितना आएगा, 1/2, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 आ गया। और इसके बाद में जब हमने 0 से 1 के बीच में देखा, 0 यहाँ है, 1 यहाँ है, देखो ए वाला पार्ट, 0 से लेकर 1 के बीच में सेम वही एरिया आ रहा है, इसको 1/2, और दोनों को मिला देंगे तो -1 से 1 के बीच का एरिया आ जाएगा। कुल मिला कितना हो गया, 1/2 + 1/2 कितना हो गया, 1 हो गया। इस कारण से जो इसका आंसर होगा वो अपने पास में डायरेक्टली कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, और आप ज़्यादा इसको लेंदी ना करें, इस तरीके से मैं समझाने के लिए थोड़ा सा लंबा टाइम हो रहा है, बाकी आप एक बार प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हो जाएगा। दूसरा है, इस तरह क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके लेवल में, एग्ज़ाम में। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें हमने बताया था एक समेशन इनफाइनाइट सीरीज़ है, इसमें क्या था, हमने बताया था कि r/n जो है, ये r/n है, उसको हम लोग क्या मानते हैं, x मान लेते हैं, x मान लिया हमने, ठीक है, r/n को क्या मान लिया हमने, x मान लिया। और उसके बाद में जो 1/n होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, dx मान लिया। अब उसके बाद में वैल्यू रखते जाते हैं, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे तो नई वाली लोअर लिमिट निकल के आ जाएगी। जैसे लोअर लिमिट क्या है, हमने क्या किया, n+1 r के स्थान पे n+1 रख दिया, सॉल्व किया तो लोअर लिमिट कितनी आ गई, 1 आ गई। यहाँ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट रखना, क्योंकि वैल्यू कहाँ तक गई है, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट तक गई है। अपर लिमिट की वैल्यू निकालनी है तो वहाँ 2n रख दो, तो अपने पास में n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर अपर लिमिट आ गई 2। तो कुल मिलाकर के यही जो मैटर है, यही जो वैल्यू है, ये पूरी इतनी दूर की वैल्यू एक कन्वर्ट होकर के इंटीग्रेशन के रूप में इस तरीके से आ जाएगी। अब log(1+x) का इंटीग्रेशन करना आपको इजीली मालूम है कि log(1+x)(1) करते हो, फिर एक को फर्स्ट फंक्शन मानते हो, एक को सेकंड फंक्शन मानते हो, सॉल्व कर लेते हो, तो आपके सामने लास्ट में जो सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, log(27/4). तो इस तरीके से इसमें सिर्फ इतना ही लॉजिक था जो हमने आपको बताया था, उसका कन्वर्जन इंटीग्रेशन के रूप में, कन्वर्जन किसका, एक इनफाइनाइट सीरीज़ का। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। चलो अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड भी देखो एक टफेस्ट लेवल है, लेकिन ये लेवल टफेस्ट नहीं है, बाकी इजीली क्वेश्चंस हैं, ये हम लोग क्या है कि थोड़ा सा समझने में दिक्कत कर देते हैं, इस कारण क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है। imn=0(t)(m)(1+t)(n) है, तो इसको कह रहा है कि im+1 n-1 के पदों में, मतलब उनके टर्म्स में आप लिखो। तो हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले इसको हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, m को बढ़ाना है, n को घटाना है। m+1 है, यहाँ n-1 है, इसका मतलब है m को बढ़ाना है, n को घटाना है। तो कोई चीज़ बढ़ता कब है, जब इंटीग्रेट होता है तो बढ़ता है, और घटता कब है, जब डिफ्रेंशिएट होता है तो घटता है। तो इसका मतलब 1+t)(n) को हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया, और इसको हमने सेकंड फंक्शन मान लिया, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तब हमारे पास में वैल्यू इस रूप में आ जाएगी। चलो इंटीग्रेशन करना आपको मालूम ही है कैसे करते हो, दो अगर मान लो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई किए गए उनका इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस ऐसे सेम टू सेम इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ किसका, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, पहले का डिफरेंशिएशन कर लोगे तो ए आ जाएगा, इंटीग्रेशन करोगे तो इसका आपके सामने ए आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो अपने पास में जो रिजल्टेंट वैल्यू आपके सामने देखने को मिलेगी वो देखो इस तरीके से आ जाएगी। इनमें आप जब 0 to 1 रखोगे तो आपके सामने ए आ जाएगा, और ए वैल्यू n/m+1 इस तरीके से आ जाएगी। अब देखो, अब यहाँ पर सबसे पहली बात है कि यहाँ m था,
तो आपने क्या लिखा, यहाँ m लिखा, यहाँ n था तो आपने क्या लिख दिया है, n लिख दिया। अब यहाँ t की पावर m प्लस वन है, तो इसका मतलब निश्चित है कि इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, i m प्लस वन, और यहाँ पर n माइनस वन है, n के स्थान पर क्या हो जाएगा, n माइनस वन, तो इसका मतलब इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं आई एम प्लस वन कॉमा एन माइनस वन। तो वही वैल्यू हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया, अपने पास में ऑप्शन के तौर पर कौन सी वैल्यू आ गई, अपने पास ऑप्शन के तौर पर वैल्यू नंबर फोर आ गई। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर बेटा है अपने पास में, क्वेश्चन नंबर फोर है, इजली कर सकते हैं आप इसको, कि इफ़ एफ एक्स इज़ द कंटिन्यूस एंड एफ साइन एक्स प्लस एफ कॉस एक्स डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो और फॉर एक्स बिलोंग टू जीरो कॉमा पाई बाई टू, देन द वैल्यू ऑफ एफ साइन एक्स अपॉन एफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो हमने आपको बताया टू पाई बाई टू एफ साइन एक्स वन एफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आता है, इसकी वैल्यू पाई बाई फोर आती है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आंसर लिख दो, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट में क्या है कि वाई इज इक्वल टू ई की पावर 2x, आप जानते हो y पावर e की पावर x की वैल्यू जो ग्राफ होता है ऐसे होता है, एट द पॉइंट 0, 1, मतलब x पे 0 रख दो तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1, तो ये है 0, 1 आ गया, 0, 1 पर क्या खींचा जाए, टेंजेंट अगर खींचा जाए, इस पर अगर टेंजेंट खींचा जाए, ऐसे टेंजेंट जाएगा तो कह रहा है x अक्ष पे कहाँ मिलता है, तो टेंजेंट x अक्ष पे कहाँ मिलेगा, तो देखो टेंजेंट x अक्ष पे क्या है, अपने मूल बिंदु से बाईं तरफ मिलता है, टेंजेंट एक्स अक्ष पे मूल बिंदु से बाईं तरफ मिलता है, तो डायरेक्टली देखो बाईं तरफ निर्देशांक कौन है, पहला तो हो नहीं सकता बाईं तरफ, दूसरा भी नहीं हो सकता, तीसरा भी नहीं हो सकता, बाईं तरफ यही वाला हो सकता है, तो ऑप्शन डायरेक्टली आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, -1/2, 0। राइट, नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो लॉग महत्तम पूर्णांक फलन एक्स का इंटीग्रेशन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो मैं आपको सीधी सी बात बता दूं कि हमेशा क्या होता है, महत्तम पूर्णांक फलन एक्स जो होता है आप उसको पहले इंटीजर्स के रूप में लेके आया करें। देखो जैसे इस तरह का कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप क्या करें, पहले 1 से लेकर 2 तक लिखें लॉग महत्तम पूर्णांक फलन एक्स, प्लस फिर लिखें 2 से लेकर 3 तक, फिर लॉग महत्तम पूर्णांक फलन एक्स, फिर लास्ट में 3 से लेकर 4 तक लॉग महत्तम पूर्णांक फलन एक्स। अब चूंकि जो वैल्यू है 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर के अगर 2 तक जो वैल्यू लिखोगे तो इसका जो लॉग महत्तम पूर्णांक फलन एक्स है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, यहाँ पर इसके स्थान पर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा लॉग 1। क्या लिख दोगे आप यहाँ पर, क्या लिख दोगे, लॉग 1। तो आपके सामने ये जो वैल्यू हमने पास में 1 to 2 के बीच में एक्स के स्थान में क्या हो गया, लॉग 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग 3। मतलब जो वैल्यू, जैसे महत्तम पूर्णांक फलन एक्स की प्रॉपर्टी है कि जो लोअर वैल्यू होती है, यही वाली वैल्यू, यही हमेशा क्या होती है, उसकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी लॉग, इसकी जो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉग 1 हो जाएगी, ठीक है, यहाँ लोअर। और यहाँ पर जैसे लॉग 2 और 3 के बीच में देखोगे, लॉग महत्तम पूर्णांक फलन एक्स की जो वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे, लॉग 2 ले लेंगे। आई इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद में तो रिजल्टेंट कितना आएगा, लॉग 2 प्लस लॉग 3, और लॉग एम एंटी का फार्मूला कर सिंपल सा सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन आप समझें। देखो क्वेश्चन नंबर सेवन इज सो ईजी, अपन क्या करना है, वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन, वाई इज इक्वल टू 0 और मॉड एक्स प्लस 2 के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो सबसे ईजिली बात यह है कि आपको ये चीज़ समझना है कि जो आपके सामने y इजल टू मॉड एक्स माइनस वन है उसका ग्राफ आप सीखें पहले। तो y इजल टू मॉड एक्स माइनस वन, मॉड एक्स माइनस वन को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, जब x की माइनस वन की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तब तो प्लस हो जाएगा, और जब ये छोटी होगी तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस एक्स माइनस वन हो जाएगी। और जब इसको ग्राफ आप खींचोगे, इसका जब आप ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ कैसे नज़र आएगा, देखो ऐसे, यहाँ से एक तो ऐसे जाएगा और एक ऐसे जाएगा, ए वाला जो जाएगा वो हो जाएगा एक्स माइनस वन वाला, आई साइड आएगा माइनस एक्स माइनस वन वाला, ठीक है। वाई इज इक्वल टू 0, ए आपका वाई इज इक्वल टू 0 है ही है, ये वाई इज इक्वल टू 0 है ही है। दूसरा क्या है, मॉड एक्स इज इक्वल टू 2, तो मॉड एक्स इज इक्वल टू 2 का मतलब होता है एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, यही होता है। तो इसका मतलब एक यहाँ हो जाएगा ए माइनस 2, ए हो गया प्लस 2, ठीक है। तो इसका मतलब इन सबसे घिरा हुआ क्षेत्रफल एक तो ए हो जाएगा, एक तो ए हो जाएगा, एक तो ए हो जाएगा, ठीक है। यही हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ए वाला क्षेत्रफल और ए वाला क्षेत्रफल, यही हमें दोनों को ज्ञात करना है। चलो हम लोग शुरुआत करते हैं कैसे ज्ञात करेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान देना। तो हमने क्या किया, सबसे पहला नंबर तो हमने क्या किया, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लिया। किसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वाई इज इक्वल टू माइनस अंडर द ब्रैकेट एक्स माइनस वन का, और किसका,
एक्स इजिकल टू माइनस टू का। दोनों को सॉल्व करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस टू और वाई इजिकल टू माइनस एक्स माइनस वन को सॉल्व करेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 2.3। इसका मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया 2.3, माइनस टू कॉमा थ्री। इसी प्रकार से इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट करेंगे तो 2.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.1। ठीक है, अब देखो एक तरीके से ये त्रिभुज है, एक तरीके से ये त्रिभुज है, ये भी क्या है, त्रिभुज है। तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के लगा के जोड़ दो। तो हमने क्या किया, दो भाग कर लिए, ये पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग है। पहले भाग का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 है, ये देखो 1 है और ये 2 है, मिल के 3 हो गया इतने दूर, और ये 3 ऑलरेडी है, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई 9/2, और यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई कुल मिलाकर 10, मतलब 5 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये 5 आ गया। चलो आगे चलते हैं, आठवां क्वेश्चन जो आपके सामने है, ये भी आपके सामने ईजी सा क्वेश्चन है। देखो ग्राफ आप जरूर सीखें, क्योंकि ग्राफ से बहुत कुछ क्वेश्चन जो है बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। वाई इजिकल टू साइन 2x माइनस रूट 3 साइन x, x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल जो कि 0 से पाई बाई 6 के बीच का होता है। देखो यहाँ x की वैल्यू आप 0 रखो, तो 0 रखोगे तो आपके सामने ए आ जाएगा, और जब पाई बाई 6 रखोगे तो वैल्यू तो ऊपर जाएगी और इस तरीके से नीचे आ जाएगी वैल्यू। पाई बाई 2 पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी वैल्यू। तो कुल मिलाकर के आप ये ध्यान दें कि पाई बाई 6 के बीच में एरिया, तो जैसे मान लो पाई बाई 6 आप गए तो यहाँ से यहाँ तक आया आपका, तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकाल लो। जैसे ये चीज़ है, ये मान लो पाई बाई 6 यहाँ तक आया, 0 से लेकर के पाई बाई 6 पे आया, तो 0 से लेकर पाई बाई 6 इसका इंटीग्रेशन कर दो डायरेक्टली, तुम्हें पूरा कम्प्लीटली एरिया मालूम हो जाएगा। तो भाई हमने काम किया, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो 1/4 7 माइनस 4/3 आपके सामने आंसर के रूप में आ जाएगा। चल क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने बेटा है, क्वेश्चन नंबर 9 ए है, क्या है कि वक्र वाई इज इक्वल टू टेन एक्स, वक्र वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स। मैंने बताया ग्राफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड इट। वाई इज इक्वल टू टेन एक्स, आप टेन एक्स का ग्राफ खींचो देखो ऐसे जाता है, यहाँ पर पाई बाई 2 होता है, और कॉट एक्स का ग्राफ खींचो तो पाई बाई 2 पे 0 हो जाता है, इस तरीके से आता है। तो ये टेन एक्स वाला हो गया और ये कॉट एक्स वाला हो गया, दोनों के बीच का क्षेत्रफल कौन सा हो गया है, दोनों के बीच का क्षेत्रफल जो है बेटा वो आपके सामने ए हो गया, ए वाला क्षेत्रफल दोनों के बीच का हो गया। ठीक है, अब इन्हीं के बीच क्षेत्रफल निकालना है, तो आप जानते हो दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, पाई बाई 4 पे करेंगे, दोनों को सॉल्व करोगे तो पाई बाई 4 आएगा। तो एक काम करो, 0 से पाई बाई 4 एक का निकाल लो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना इसमें। तो वही हमने काम किया, 0 से पाई बाई 4 एक मतलब टेन एक्स का निकाल लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अपने आप ही पूरा रिजल्ट आ गया। तो यही चीज़ हमने किया है, 0 से पाई बाई 4 एक का निकाल करके, ये देखो 0 से पाई बाई 4 टेन एक्स का निकाल लिया, निकालने के बाद जो वैल्यू आ गई उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अपने पास में 2 रिजल्ट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस पूरे के पूरे सीरीज का एक्सरसाइज जो इंटीग्रेशन का है। 0 to a x dx लेस देन आर इक्वल टू a प्लस 4 है, अपने पास में बताना है कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। पहले तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो इजीली, सिंप्लीफाई कर लिया हमने, सिंप्लीफाई करने के बाद में सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद में फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद में a वैल्यू आ गई। अब यहाँ के बाद सीखने की ज़रूरत है, यहाँ के बाद में देखो क्या हुआ, हमने कैसे इसको किया है। जब इसको फैक्टराइज हमने किया तो फैक्टराइज करने के बाद में आपको ये चीज़ वैल्यू मिल गई। हमने क्या किया, जिसकी वैल्यू ए की निकालने के लिए हमने इसको बराबर कर दिया 0 के, जब 0 को बराबर कर दिया तो ए माइनस 4 आ गया, ए प्लस 2 इजिकल टू 0, ए की वैल्यू 4 आ गई और दूसरी बात में ए की वैल्यू माइनस 2 आ गई, दोनों ही वैल्यू आपके सामने आ गई, ए की वैल्यू 4 और ए की वैल्यू माइनस 2। अब यहाँ पर हम लोग रखते हैं इसको संख्या रेखा पर रखते हैं, रखने के बाद में अपने पास में देखो, अगर आप माइनस 2 से छोटी वैल्यू, माइनस 2 से छोटी वैल्यू ए की कोई भी ले लो, जैसे मान लो माइनस 3 रख लो, माइनस से रखोगे तो ए वैल्यू और ए वैल्यू, माइनस 3 आप रखो यहाँ पर, तो माइनस 3 रखोगे तो आपके सामने क्या आएगा, ए और ए मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब यहाँ कोई वैल्यू रखोगे तो पॉजिटिव आएगी। और 4 के बाद में कोई मान, जैसे मान लो 5 रख दिया यहाँ ए के स्थान पर, तो ए वैल्यू भी हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। लेकिन माइनस 2 और 4 के बीच में अगर कोई वैल्यू, जैसे मान लो 0 रख दिया, तो वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। अपने आप को कौन से मान चाहिए, जो लेस देन 0 हो, मतलब जो निगेटिव वाले हों। तो ए की वैल्यू जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगी कौन सी हो जाएगी, माइनस 2 से बड़ी हो जाएगी, माइनस 2 से देखो कौन सी हो जाएगी, जो निगेटिव हो, तो ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2 से बड़ी और लेस देन 4 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सामने इक्वेशंस हो जाएगा। देखो बेटा मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ कि क्वेश्चन सारे के सारे वीडियो लेक्चर में करवाना ये असंभव है, लेकिन मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि आपको जितने क्वेश्चंस में ट्रिक है, जितने क्वेश्चंस
थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल से रिलेटेड हैं जो मेरे आँख के सामने पड़ जाते हैं उसको मैं पूरा करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। और जो भी बुकें आपके पास में अवेलेबल हैं आप उनके सारे क्वेश्चंस खुद करें। और यदि मेरी हेल्प लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9680460231, लिख देता हूँ मैं 9680460231। इस पर व्हाट्सएप पर क्वेश्चंस को सॉल्व ट्रिक भी सीख सकते हैं, कुछ आप पूछ भी सकते हैं। तो आप अपनी अच्छी ढंग से तैयारी करते रहें। देखो प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आप स्ट्रांग होंगे और उतना ही ज़्यादा आप जो है मतलब अच्छा पेपर कर पाएंगे। और टाइम का विशेष ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं ज़्यादातर वीडियो जो बता रहा हूँ बहुत फास्टली बताता हूँ क्योंकि तुम्हें ये चीज़ सीखना है, टाइम का मैनेजमेंट। क्वेश्चन तो लगभग 90% बच्चों को आता है, बट हाउ दोज क्वेश्चन सॉल्यूशन यू हैव टू एक्सप्रेस इन द पेपर और कम्प्लीटली 125 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो ये चीज़ों की ट्रिक जब तक आप नहीं सीखेंगे जानेंगे तब तक आपको क्वेश्चन आपका नहीं हो पाएगा और पेपर आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो आप सब पढ़ते रहें, अच्छे ढंग से तैयारी करते रहें, जितना मुझसे संभव है मैं उसको अच्छा बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और भी कोई अगर प्रॉब्लम्स हैं तो आप उसको ज़रूर शेयर करें ताकि हम उसकी समस्या का समाधान भी कर सकें। तो आज के लिए डियर स्टूडेंट्स, अपन लोग इस सेशन को यहीं पर एंडिंग करेंगे। ओके, नमस्कार।